नमस्ते, हम इस वक्त वाराणसी में राजा तालाब में एक ऐसे परिवार के साथ हैं जिनके विषय में मुझे बताया गया कि ये मम्मी हैं, इनका आगे पीछे इनका कोई है नहीं और इनकम का कोई जरिया नहीं है और इनका परिवार आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इनके तीन बच्चे हैं, एक लड़की है दो लड़का। तो भाई बहन दोनों दृष्टि दिव्यांग है जैसे हम हैं, तो हम उनके लिए कुछ चाहते हैं कि उनका रोजगार खड़ा हो, आत्मनिर्भर बने, समाज को एक दिशा दे जिससे लोगों को लगे कि ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। तो आइए माँ से मिलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मोहित हमारे साथी हैं, हम उनको भी नमस्ते कहेंगे। मम्मी आपको प्रणाम। मम्मी सबसे पहले आप अपने विषय में मुझे बताइए और जनता को बताइए कि आपका नाम क्या है, क्या आपके परिवार की स्थिति है, क्या है। ये आत्मनिर्भर बन ये आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और कुछ करना चाहती हैं। तो हम मोहित का एक बच्चा है जो साथ में है। मोहित आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले मेरा नाम मोहित है और मैं पीएचडी में पढ़ाई करता हूँ, बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए और घर की परिस्थितियों को देखते हुए और हम कुछ ऐसी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि हम भी आगे पढ़ाई कर सकें और हमारे परिवार का भी साथ चल सके। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये कुछ करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं और दिव्यांग हैं, हमारे साथी हैं और परिवार का बोझ नहीं बनना चाहते, परिवार की परवरिश करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात है। और ऐसे तमाम लोग होंगे जो कुछ करना चाहते हैं जिनको न जिनके पास न तो पैसा है न तो जिनको कोई रास्ता पता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग उनको अपने स्तर से जो जहाँ भी है उनकी मदद हो और ऐसे लोगों का जो है सपोर्ट किया जाए जो ऐसे लोग आत्मनिर्भर बने। आप सोचिए, ये मम्मी है, काफ़ी दिन से मतलब मुझे पता चला था कि इनकी कोविड की वजह से स्थिति ख़राब थी और कैसे कैसे अपने घर का खर्चा चला रही होंगी। आगे पीछे कोई नहीं है, मोहित के पापा भी नहीं है और दो बच्चे दिव्यांग हैं और एक बच्चा है, कैसे मतलब छोटा है। तो मोहित दुकान में आप क्या खोलना चाहते हैं। दुकान में अभी तो एकदम गाँव है तो सामान में मतलब जनरल स्टोर टाइप का खोलेंगे और मतलब ऐसी चीज़ें रखेंगे जो डेली यूज की चीज़ें की जो सभी के लिए यूज हो और हर रोज वो यूज करते हों वही चीज़ें हम रखना चाहेंगे। मोहित न केवल दुकान खोलना चाहते हैं अपितु अपने गांव के सहायक जिसको बोलते हैं सहारा बनना चाहते हैं। इनके गांव के लोग बहुत दूर दूर तक छोटे मोटे जैसे साबुन तेल मंजन और मसाला वसाला का दुकान नहीं है तो वो अपने घर पे ही जो है ये सुविधा देना चाहते हैं कि गांव के लोग कम से कम हमारे यहाँ आके लें जिससे उनके समय का बचत हो और लोगों को सुविधा हो। तो ये कितनी अच्छी बात है। मम्मी अंतिम अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे। मोहित के अपील को आप जरूर अपने संज्ञान में लेते हुए इस पे कार्रवाई करिएगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे साथी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और किसी का बोझ नहीं बनना चाहते हैं और किसी के मोहताज नहीं हैं। आप उनको अपने स्तर से सहयोग करिए। साथियों,
हम इनके जनरल स्टोर खुलवाने की जिम्मेदारी उठाते हैं और पूरा सहयोग करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा तो आप मुझे ज़रूर अपना आशीर्वाद और स्नेह दीजिएगा। और बाकी समाज ही समाज को खड़ा करता है, इन्हीं शब्दों के साथ आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।